हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तब इसे आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आपकी राशि के किस जेंडर के। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सियाराम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, नंबर 5, नंबर 1, जनवरी एंड मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो देखिए, आपकी जो पर्सन है ये आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, फॉर श्योर आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इनका तो टाइम साथ नहीं दे रहा, ये खुद स्टेबल नहीं है इस वक्त। सो इस वक्त आपके पर्सन स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू गिव यू ए कमिटमेंट, ए स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। बट हाँ, इनका इंटेंशन आपको स्टेबिलिटी देने का फॉर श्योर है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पे दो मुझे मैसेज पे कोई, एक तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, पहले मैं वो ही दे देती हूँ, सभी से रेजोनेट नहीं होगा। स्पेसिफिक मैसेज ये है कि आपके पर्सन के फाइनेंस थोड़े डाउन चल रहे हैं, सो और आपको ये बहुत इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहे हैं, तो ये फाइनेंशियली आपसे हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं। सो करंटली ये फाइनेंशियली आपसे हेल्प ले सकते हैं। दूसरा मैसेज ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब आप खुद स्टेबल हैं। अगर इन्होंने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी तो शायद आप इस कनेक्शन में कंटिन्यू ना करें। ओके, जस्टिस का कार्ड है एंड हाई प्रिस्टिस, वाओ। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। देखिए ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आपने कभी भगवान से, अपने यूनिवर्स से कभी दुआ की थी कि आपके साथ जो चीज़ें गलत हुई हैं वो सही हो जाएं। इस कनेक्शन में आपके साथ आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ इनजस्टिस किया या फिर आपको वो लव रिस्पेक्ट इन्होंने नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, वो कहीं ना कहीं आपकी वो एक प्रेयर सुन ली गई है। यूनिवर्स लिटरली आपको जस्टिस सर्व कर रहे हैं अभी, और ये हुआ है आपके इनर वर्क की वजह से। आपने टोटली सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, इस कनेक्शन को और खुद को भी। आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, आपने अपनी एनर्जी वहाँ से अपने पर्सन से हटा के आपने खुद पर लगाई, अपने यूनिवर्स पे विश्वास किया, आपने अपने भगवान ईश्वर जो भी आप जिनको भी आप मानते हैं आपने उन पर ट्रस्ट करके ये कनेक्शन उनको सौंपा। अब यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, ये आप ही की मेहनत थी। इस वक्त अगर आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं तो इनमें इनका कोई गुण नहीं है, आप इनके गुणगान ना करें, इनमें इनका कुछ नहीं है, जो कुछ है आपका है। आपने सरेंडर किया, आपने अपने भगवान पर विश्वास किया और वही चीज़ अब आपके पर्सन को आपके लाइफ में लेके आ रही है। आपने इनको रिलीज़ किया, आपने इनको लेट गो किया, दैट्स वाई दे आर कमिंग बैक टू यू। सो एट ऑफ सॉर्ड एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 2, नंबर 8, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। देखिए ऑप्शन तो अभी भी है इनके पास, जगलिंग तो अभी भी चल रही है, तभी तो इतना वेट कर रहे हैं, तभी तो इतना सोच रहे हैं, वरना सोचने की इतनी ज़रूरत ही कहाँ पड़ती। जैसे हमारे पास जैसे एक ऑप्शन होता है तो ज़्यादा नहीं सोचते, जो करना है करना है, लेकिन हमारे पास जब दो ऑप्शन होते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि कैसे क्या करना है जिससे इधर भी मैनेज हो जाए और उधर भी मैनेज हो जाए। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपके जो पर्सन हैं ये स्टक हैं, ये जगलिंग कर रहे हैं दो सिचुएशन में, मे बी दो ऑप्शन में, मे बी थर्ड पार्टी के साथ, और इनके माइंड में इतने थॉट्स चल रहे हैं। एट द सेम टाइम पॉजिटिव थॉट भी हैं, एट द सेम टाइम नेगेटिव थॉट भी हैं। ये सोचते हैं कि अगर इस वक्त मैंने एक्शन ले लिया तो क्या होगा, अगर इस वक्त मैंने एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा, क्या थर्ड पार्टी पर इम्पैक्ट होगा, क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा। सो ये बहुत कैलकुलेट करके चल रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव एनर्जी में है, मतलब बैलेंस में रहना है, इधर भी बैलेंस करना है, लेकिन आपके बारे में भी ज़रूर सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नंबर 10, अक्टूबर मंथ, 10-10 मुझे दिखे हैं, यहाँ पे वीर ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। सो ये मुझे बताता है कि कोई कनेक्शन कहीं से तो एंड हो रहा है और एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। नंबर 10 है, ये एंडिंग को बताता है। ओके, एंड 1+0
अगेन नंबर वन ये एक न्यू बिगिनिंग को बताता है. सो कुछ एंड हो रहा है और साथ में कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने के लिए या फिर इनकी लाइफ में न्यू कुछ स्टार्ट होने के लिए पहले कुछ एंड करना होगा और वही चीज़ एंड हो रही है. लेमिचे की क्या एंड हो रहा है? टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ पेंटिकल्स ने. वाओ ओके गाइस, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, डेफिनेटली देंगे, कोई रोक ही नहीं सकता. हे राम जी ऐसा ही हो, सभी के लिए ऐसा ही हो. मैं बोलती हूँ भगवान जी, जो जो कमिटमेंट की उम्मीद लगाए बैठे अपने पर्सन से, प्लीज़ इनको कमिटमेंट मिले इनके पर्सन की तरफ से. आपकी जो पर्सन है ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपको एक फैमिली देंगे, क्योंकि अगेन मैं बता दूँ ये इनका कोई इसमें नहीं है रोल. मतलब आपको अगर कमिटमेंट दे, कहाँ से क्या खा कर कमिटमेंट देंगे आपको? मतलब ये है कि क्या अभी तक ये कभी कि कोई प्रपोजल नहीं दे पाए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये आपको सीधा कमिटमेंट दे देंगे क्या लगता है? नहीं, यूनिवर्स दिलाएंगे आपको कमिटमेंट, आपको जस्टिस दे रहे हैं इसी पर्सन की तरफ से. कमिटमेंट दिला के एक स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है. व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मिरेकल होगा, लक आपके साइड में है, आपको वो मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट किए बैठे हो उस कनेक्शन में. सो अगेन मैं कह दूँ, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ कि ये आपको स्टेबिलिटी दे दे, राइट? आप ऑलरेडी स्टेबल हैं और ये जो स्टेबिलिटी मिल रही है ये एज अ गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है इसी पर्सन की तरफ से. ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड नंबर 9 सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है. और मुझे साइन वैसे ऑल साइन दिखे हैं, वाटर साइन नहीं दिखा, वो हो सकता है आगे दिख जाए. सो लेट मी चेक, ये नाइन ऑफ सॉर्ड ये किस बात का गिल्ट है इनको? ये रिग्रेट है, इनको रिग्रेट है, इनकी स्लीपलेस नाइट हो रखी है इस वक्त, इनको रातों को नींद नहीं आती, इनको सोने के बाद नींद नहीं आती, इनको उठने से पहले नींद नहीं आती, इनके साथ देखो ये हो रखा है इस वक्त. ओके देखते हैं क्या ये किसने उड़ाई, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, देखते हैं किसने उड़ाई, थर्ड पार्टी ने उड़ाई, आपने उड़ाई. जस्टिस अगेन जस्टिस, देखिए कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी आ गया भाई, सारे साइन आ गए हैं. ओके, नींद उड़ाई है इन्हीं की गलतियों ने, पास्ट में इस इंसान ने सच में आपके साथ बहुत कुछ गलत किया गाइस. जस्टिस का कार्ड अगेन आया है, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है? और अपोलॉजी का कार्ड भी है, दैट मीन्स इस इंसान को अच्छे से रियलाइज हो चुका है कि ये कहाँ कहाँ गलत थे, कहाँ कहाँ इन्होंने आपको हर्ट किया. ओके सो अब क्या है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं पास्ट के अपने एक्शन को लेके. नाउ आपके पर्सन खुद को रेडी कर रहे हैं इस कनेक्शन में एक्शन लेने के लिए. रेडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इनमें इतनी वो हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट आपको अप्रोच कर सके, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इनको स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी आप तक पहुँचने के लिए. आपको लगता होगा इसलिए मैंने एक मैसेज तो करना है, एक कॉल ही तो करना, नहीं नहीं नहीं, वो जब मैसेज भी टाइप कर रहे होंगे ना इनके हाथ कांप रहे होंगे लिटरली, क्योंकि इनको वो सिचुएशन याद आ रही है जब इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया था, बहुत डैमेज किया था अंदर से. ओके, फाइव ऑफ कप्स नंबर 5 एंड मे मंथ अगेन 5-5 मुझे आई थिंक ट्वाइस दिखा. सो आई थिंक ट्वाइस था, पता नहीं मुझे नहीं पता. ओके जो भी हो, नंबर 5 है और अगेन पेंटिकल्स, लेट मी चेक ये क्या है. देखिए इनको रिग्रेट है, इनके पास के डिसीजन सही नहीं रहे, अगेन सेम एनर्जी आई है, कार्ड्स अलग हैं, एनर्जी सेम है. इस इंसान ने किसी एक ऑप्शन को चूज़ किया, जिस भी ऑप्शन को चूज़ किया पास्ट में इन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो इनका गलत साबित हुआ, वो डिसीजन इनको सिर्फ डिप्रेशन में लेके गया है, वो डिसीजन ने इनको सिर्फ स्ट्रेस दिया है और कुछ नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. जो सेटिस्फैक्शन ये सोच रहे थे कि शायद इस ऑप्शन को चूज़ करने पे शायद मेरी लाइफ मस्त हो जाएगी, झकास हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. अब क्या है, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट, इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद तभी आपकी तरफ इतना इंस्टेंट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कन्फ्यूज़ भी हैं कि शायद आप निकल लिए इनके हाथ से या फिर अभी भी हैं, ठीक है? यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अगर मैं क्लैरिफाई करूँ तो पहली बात तो ये, ओके थर्ड पार्टी कौन सा इनको सुख दे रही है, ठीक है? देखिए इनका इनका पता है ये जो कमिटमेंट है ये स्लो आपको मिलेगा, टाइम लगेगा इनको कमिटमेंट, क्यों? इसका रीज़न, इसका रीज़न ये है कि करंटली जो थर्ड पार्टी है वो अपनी पावर में है,
ओके बहुत मैनिपुलेटिव है, दैट्स वाई आपके पर्सन को कन्फ्यूज किए हुए हैं। इन्होंने मन तो बना लिया, इनको एहसास तो हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया, लेकिन थर्ड पार्टी ये जो भी है, अगेन नाइन ऑफ सॉर्ट, ये उस थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सीरियसली गाइस बहुत मैनिपुलेटिव है और बहुत अग्रेसिव है। क्वीन ऑफ वांड है, वो अपनी पावर में बैठी है, उसको अच्छे से पता है कैसे आपके पर्सन को टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है अपने हिसाब से। अगर मैं कहूँ तो ऐसा समझो, अगर इन शॉर्ट में कहूँ, इशारों पर नचाना किसे कहते हैं, थर्ड पार्टी से सीखो। आपके पर्सन को हर्ट भी कर रही है, अपना काम भी निकलवा रही है और आराम से। वो सॉन्ग नहीं चला आजकल भाई बहन वाला, वो इसकी भाई बहन के मज़े मज़े, वो कौन सा है, इसकी इस थर्ड पार्टी के मज़े मज़े हो रखे हैं और आपके पास पार्टनर जो हैं वो भाई टूटा दिल लेके बैठे हैं। ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं, कहना है आज तुमसे ये पहली बार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। सिर्फ आप ही इनके जीवन में प्यार लेके आए हैं, ठीक है। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, इनको एक शिकायत है आपसे छोटी सी कि आप इनसे बात क्यों नहीं करते, क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि देखो रूठ के भी यही गए थे, वैसे करने तो इन्हीं को चाहिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आगे से इनिशिएटिव लें। देख लेना सॉन्ग है ये, देख लेना, अरे क्या क्या दिखाओगे अभी, देख तो लिया, आपकी असलियत देख ली, ठीक है, थर्ड पार्टी को देख लिया, टाइम देख लिया इतना बुरा, अब और क्या देखना बाकी है, आपका गुस्सा OMG। अच्छा जी, ये बात कर रहे हैं कि अभी इनको देखना है आपका गुस्सा, आपका जो गुस्सा है वो, अब किसी की परवाह नहीं, अब इनको किसी की परवाह नहीं है। देखिए ऐसा ये बोल रहे हैं, लेकिन सीरियसली अभी इनमें वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर परवाह नहीं होती तो ये जगलिंग नहीं कर रहे होते। गलती हो गई, माफ़ कर दो। देखिए ये वो गलती है जो पास में इन्होंने जो डिसीज़न लिया था उसकी गलती का पछतावा इनको डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा है। सिर्फ नहीं कहूँगी अगेन गाइस, रो रहे हैं ये कि क्या चूज़ कर लिया, हम जहाँ भी रहेंगे एक दूसरे के रहेंगे, बट ये आपसे एक प्रॉमिस कर रहे हैं, ये जहाँ कहीं भी हैं ये सिर्फ आप ही के हैं, थर्ड पार्टी इनको सिर्फ यूज़ कर रही है सीरियसली। विश्वास नहीं हो रहा है किस पे, कि थर्ड पार्टी यूज़ कर रही है इनका, इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा, या फिर हमने आपको ट्रू लव दिया इस पे विश्वास नहीं हो रहा। चलो हो जाएगा, विश्वास होने में टाइम लगता है, जो अच्छी चीज़ें होती है ना उनमें टाइम लगता है। सो ब्यूटिफुल थिंग्स टेक टाइम, और जो नेगेटिव होती हैं ये वो ऐसे सेकेंड्स में होती है, चुटकियों में हो जाती है। ओके सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको, सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, ओके सॉन्ग है तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे असा तेरे नाल कीती सी जुबान सजना। ये जुबान इन्होंने कितनी सी मतलब की थी, कभी आपको प्रॉमिस किया था कि तेरे ही नाल जीवांगे तेरे ही नाल मरांगे, लेकिन अभी देखो अकेले अकेले जी रहे हैं और आपको मरने के लिए छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं प्रॉमिस ब्रेक किया इन्होंने, बट हाँ इनको उसका रियलाइजेशन डेफिनेटली है। ओके और अगर इन्होंने ऐसा प्रॉमिस नहीं भी किया है तो ये वो एनर्जी है जहाँ इन्होंने डायरेक्ट ना बोल के आपको ऐसे सपने दिखा दिए इनडायरेक्टली ही, जहाँ आपकी ऑटोमेटिकली इनसे उम्मीदें जुड़ गई थी कि शायद अब ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन के लिए आपकी पर्सन स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, है ना। तो ऐसा इन्होंने किया जा, ओके वाओ, यूनिवर्स का बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए, वो है लव एंड हार्मनी अवेट्स। गाइज मैं फिर बोलूँगी यही बात, लेकिन अब तो यूनिवर्स ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि आप दोनों एक बंधन में अवश्य बंधोगे, ये आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को एक करना चाहते हैं। बींग पोलाइट, सो ये कार्ड बताता है कि हो सकता है आजकल बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हो आप, तो आपको ऐसा नहीं रहना है, ठीक है, आपको पोलाइटली सबके साथ पेश आना है। आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ कुछ भी गलत किया तो देखो वो भुगत रहे हैं, ऑलरेडी वो फेस कर रहे हैं अपना कर्मा, तो यहाँ पर अभी आपको जज बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ना इनको जज करने की ज़रूरत है। पास्ट में जो हो गया जाने दीजिए, जब सरेंडर ही कर रहे हो तो सिर्फ एक सिचुएशन को ही क्यों, इस कनेक्शन को ही क्यों, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, जो जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं सरेंडर कीजिए कि यूनिवर्स आप जानो आपका काम, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, आप राइट पाथ पे हैं, आप ऐसे ही चलते रहिए।
ओके और आप दोनों का यूनियन नहीं, एक हारमोनियस यूनियन मुझे दिखा, रिकंसिलेशन दिखा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी गाइस, इनको रियलाइजेशन हो रही है, मेजर रियलाइजेशन हो रही है, जहाँ ये फील कर रही हैं अपनी गलतियों को, जहाँ ये फील कर रहे हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और इनको आपको क्या सर्व करना चाहिए था और क्या सर्व इनको करना है. ओके सो मुझे नहीं लगता कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, बस आपको थोड़ा सा पोलाइटली पेश आना है सभी से. ओके सो गाइस ये थी जल्दी से रीडिंग, होप आप सर रेजोनेट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सियाराम.